हेलो फ्रेंड्स दिस इज अनुराग ठाकुर एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट लेक्स कॉलेज चेन्नई के बारे में यानी कि ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम कॉलेज है एंड नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बी स्कूल ऑफ इंडिया इस वीडियो में हम इस कॉलेज के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में रिव्यू बताने वाला हूं मैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ये मेरा न्यू चैनल है थिंक एम बी ए स्पेशली फॉर एम बी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट -फड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस चैनल पे आपको टॉप बी स्कूल्स की रिव्यू देखने को मिलेगी एंड एम बी ए से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो बात करते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स से ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है 2004 में स्टैब्लिश हुई थी एंड तब से लेके आज तक इसने ईयर बाय ईयर अपने रेपुटेशन को काफी ज्यादा बिल्डअप किया है अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 2023 में इस कॉलेज का एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेटली एटीन पॉइंट का था जो कि एक बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है ट्वेंटी में अगर हम एनआईआर की रैंकिंग की बात करें तो इसे थर्टी रैंकिंग मिली थी अमंग द एम बी ऑल ओवर द इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया अमंग द मैनेजमेंट स्कूल्स इसे थर्टी फर्स्ट रैंकिंग मिली थी एनआईआरएफ की तरफ से कैंपस की बात करें तो थर्टी टू एकर्स में इसका कैंपस फैला हुआ है एंड चेन्नई में लोकेटेड है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑल्सो बात करते हैं इसके एडमिशन पे तो देखो यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए आपका जी मैट कैट जैट और सी मैट के स्कोर्स यहाँ पे एक्सेप्टेड है बात करते इसके हम एडमिशन के बारे में ध्यान रहे यहाँ पे मैं एडमिशन के एक एक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके एडमिशन प्रोसेस सबको काफी डिटेल में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस कॉलेज में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो स्पेशली फॉर पी जी डी एम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सेशन ठीक है इस कॉलेज में आपके जी मैट के स्कोर जैड के स्कोर यानी कि एक्स ए टी जैड के स्कोर सी मैट और कैट के स्कोर एक्सेप्टेबल है ठीक है ध्यान रहे जी मैट सी मैट कैट और जैड के स्कोर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है ठीक है अब जी मैट का जो स्कोर है वो आपका जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बाद का होना चाहिए फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सेशन एडमिशन ठीक है जिनको भी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सेशन में एडमिशन लेना है थ्रू जी मैट स्कोर तो आपका जो जी मैट स्कोर है वो जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बाद के जी मैट एग्जाम का होना चाहिए ठीक है सिमिलरली अगर आप कैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो दो हजार चौबीस सेशन में कैट तो का स्कोर जो है आपका दो हजार बाईस या दो हजार तेईस में जो नवम्बर में कैट एग्जाम होने वाले हैं इन दोनों स्कोर को ही मान्यता दी जाएगी यानी कि कैट के ट्वेंटी ट्वेंटी टू के स्कोर और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के स्कोर दोनों ही एप्लीकेबल है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए सिमिलरली और और में 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 आपके 2023 के स्कोर and 2024 में जो ZAT और CMAT के स्कोर एंड 2024 जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इन दोनों में से किसी का भी स्कोर जो है एप्लीकेबल है यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर पीजीडीएम ट्वेंटी सेशन ठीक है बेसिक अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स जो है आपका एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एंड मिनिमम सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए इन टेंथ एंड ट्वेल्थ अब यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फ्रेशर्स और कैंडिडेट्स विथ लेसर देन 36 सिक्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टिल जून 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई अपलाई फ्रेशर्स जो हैं कैंडिडेट वो और जो वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो थर्टी सिक्स मंथ से कम है टिल थर्टीथ ऑफ जून ट्वेंटी तक अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस थर्टी सिक्स मंथ से कम है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अपलाई ठीक है अब वैसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट दो से तीन साल की है उनके लिए यहाँ पे प्रेफरेबल कोर्स जो है वो है फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी कि पीजीपीएम कोर्स जो वन ईयर का होता है हालांकि वो पीजीडीएम uh, कोर्स करने के लिए भी एलिजिबल हैं अगर कहा जाए कि उनके लिए बेटर कोर्स कौन सा है देन फ्लैगशिप प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम अब कुछ वैसे भी कैंडिडेट्स रहते हैं जिनको यार दोनों ही कोर्स में इंटरेस्ट है यानी कि पीजीडीएम में भी और पीजीपीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम में भी वो दोनों में ही ट्राई करना चाहते हैं एंड दोनों में से किसी एक में लास्ट में एडमिशन लेते हैं वैसे कैंडिडेट्स भी यहाँ पे दोनों ही कोर्स में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए आपको अलग फॉर्म फिल करनी होगी एंड सेम स्टूडेंट दो अलग कोर्स के फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं पीजीडीएम के भी एंड पीजीपीएम के भी ठीक है तो ये थी यार इस कॉलेज की रिव्यू जिसमें मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस को डिटेल में बताया अगर आपको फर्दर एडमिशन में किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए किसी तरीके के गाइडेंस चाहिए किसी और भी टॉप प्राइवेट भी स्कूल में एडमिशन गाइडेंस भी तो हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म का लिंक है आप फिल आउट करो अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो तो ये थी यार मेरी रिव्यू ऑन ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई डू कमेंट डाउन योर व्यूज ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना एंड अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे कॉन्टेंट को रेगुलर कंज्यूम करने के लिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली बार और भी अच्छे कॉलेज रिव्यूज के साथ टिल देन स्टे सेफ एंड